नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केंगर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, इसमें आज हम पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पैनिक अटैक यानी क्या? कुछ समय के लिए अगर किसी व्यक्ति को एकदम से घबराहट, अचानक से घबराहट शुरू होना, या फिर पसीना आना, या धड़कन तेज हो जाना, और ऐसा लगना कि जैसे अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा, ऐसी तकलीफ किसी किसी को होती है और वो अपने आप निकल भी जाती है। लेकिन ये जो टाइम रहता है, इस टाइम में वो तीव्रता इतनी ज्यादा रहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। ये अटैक जो है, जो एपिसोड है, ये 10 मिनट से लेके 30 या 60 मिनट तक भी रह सकता है। अब ये आउट ऑफ द ब्लू होता है, यानी अचानक होता है। अगर हम खाना खा रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और अचानक से धड़कन शुरू हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, पैर लटपट कांपने लगते हैं, या फिर पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है, सर में दर्द होता है, भारी भारीपन लगता है, चकराने लगता है सर, ऐसा लगता है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं अभी मर जाऊंगा, इसे कहते हैं इम्पेंडिंग डूम। और अगर ये अटैक्स फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार अगर आ रहे हैं, दिन में काफी बार आ रहे हैं, महीने में काफी बार आ रहे हैं, तो इसे हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि अटैक एक ही बार आता है, लेकिन उसका जो डर रहता है वो इतना जम के, यानी इतने तीव्रता से बैठ जाता है दिमाग में कि वो डर जो रहता है कि पैनिक अटैक ना आए, ये डर ही ज्यादा सताता है। वो ज्यादा घबराहट उस डर की वजह से ही होती है, और वो तकलीफ जो है वो डर में ज्यादा बढ़ जाती है। अब काफी लोगों में ऐसा देखा गया है कि ये अगर पैनिक अटैक आ गया तो वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे ईसीजी या कुछ मेडिसिन ले लेते हैं और वो अटैक निकल जाता है। लेकिन वो बार बार किसी किसी को होता है, और अगर वो बार बार हो रहा है तो उससे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, यानी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स, या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें भी ये तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है और फिर भी ये तकलीफ हो रही है, हमारे जो मेडिकल टेस्ट है वो पूरी तरह से नॉर्मल है लेकिन फिर भी ये तकलीफ हो रही है, तो हमें जरूर साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए। अब इसका कारण क्या है? ये ना आजकल काफी कॉमनली देखा गया है। काफी पेशेंट्स आजकल आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ऐसा घबराहट होती है, अचानक से होती है। तो इसका मेन कारण है कि स्ट्रेस, बढ़ता हुआ स्ट्रेस। काफी कॉर्पोरेट जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, इनमें ये प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, 25 साल का होगा। उसने एक साल से काम पे जाना छोड़ दिया है क्योंकि उसे यही तकलीफ सता रही है। वो काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है और वो घर में बैठा है। उसे पता ही नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये साइकेट्री रिलेटेड है और मुझे साइकेट्रिस्ट को इसके लिए दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये साइकेट्री प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है। अब इसमें क्या क्या प्रकार के ट्रीटमेंट है? तो दो प्रकार की मेनली ट्रीटमेंट्स हैं, एक तो मेडिसिन। अब जो मैंने जैसे कहा कि ये जो डर लगा रहता है कि मुझे अभी अटैक आ जाएगा या फिर मुझे धड़कन बढ़ जाएगी, तो इसके लिए हम मेडिसिन, यानी एंटी एंजाइटी कुछ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जो स्ट्रेस है, कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से भी ये पैनिक अटैक्स बढ़ते हैं, तो उनके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स हम देते हैं ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे निकल जाए। अब साइकोथेरेपी का इसमें काफी अच्छा रोल है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी जो हमारा कॉग्निशन है वो डिस्टर्ब हो चुका है और वो डिस्टर्बेंस की वजह से हमें तकलीफ होती है, तो जो इसका रूट कॉज है वो रूट कॉज तक हम ये थेरेपी में पहुंचने की कोशिश करते हैं और जो डर मन में बैठा है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ साइकोथेरेपी। इसके साथ रिलैक्सेशन थेरेपी,
जिसमें हम पॉजिटिव सजेशंस, रिलैक्स होके पेशेंट को पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, और पॉजिटिव सजेशंस में अपने आप को कैसे काम एंड क्वाइट रखना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें हमारे केलकर टोनगर साइकेट्रिक नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। हमारे वीडियोस का यह उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में या मानसिक तकलीफों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।